स्वागत है आपको संडे किचन में। आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ कॉलीफ्लावर पकौड़ा रेसिपी। कॉलीफ्लावर पकौड़ा रेसिपी बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, चलिए देखते हैं। मैं कॉलीफ्लावर को इसी तरह कट करके इसको एक कढ़ाई में मैं 2 मिनट तक अभी बॉईल करूँगी और उसमें 1 चम्मच सॉल्ट एंड 1 चम्मच टर्मरिक का पाउडर ऐड की हूँ। हम इसको इसीलिए बॉईल कर रहे हैं क्योंकि हम इसको जब फ्राई करेंगे ऑयल में तब हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पकौड़ा जो बनेगा वो प्रॉपर तरीके से बनेगा। उसको 2 मिनट बॉईल करने के बाद इसको मैं एक स्ट्रेनर में छान लेती हूँ। मैं ए वाला स्ट्रेनर यूज की हूँ क्योंकि उसमें पानी अच्छी तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद मैं एक बाउल में 2 चम्मच बेसन ऐड की हूँ। आप अपनी तरीका से बेसन ऐड करेंगे और उसमें 1 चम्मच सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर एंड चिली पाउडर ऐड की हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी। आप हमेशा ध्यान रखेंगे पानी एक तरह कैसे नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है क्योंकि हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी तरीके से बनना चाहिए। आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो हो सकता है वो पानी ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा बेसन डालना पड़े। हमारा देखो अभी जो कंसिस्टेंसी बन गया है, मैं इसमें जो बॉयल कॉलीफ्लावर था उसको ऐड कर दी। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ और जो गोभी का पकोड़ा है इसको फ्राई करने के लिए। और मैं एक पैन में तेल गरम करके इसको ऐड कर लेती हूँ गोभी को फ्राई करने के लिए। मैं इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि गोभी जो है वो पहले से ऑलरेडी बॉयल्ड है, सो हमको इधर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बॉयल होने के लिए। सो इसको मैं 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करूंगी और इसको थोड़ा सा इसका कलर इसी तरह आ जाए बेसन का और गोभी का उसको मैं छान लेती हूँ। और आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो कंसिस्टेंसी बनाएंगे वो हमेशा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये पकौड़ा अच्छा से नहीं बनेगा। और उसके बाद मैं इसको छान लेती हूँ और आप ये पकौड़ा हरा चटनी के साथ खा सकते हैं, टोमेटो सॉस, केचप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।